आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस डिस्चार्ज लाइन। क्या पढ़ेंगे? गैस डिस्चार्ज लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल सिद्धांत जानते हैं कि क्या कहता है। इस लैंप के निष्क्रिय यानी कि इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय मतलब जहां पर शून्य आवेश कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल शून्य, जहां पर हवा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय। और वैसा गैस या वैसा तत्व तो जो अपने लास्ट में जब आयनिक हो जाता है तो आठ तत्वों को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपना अष्टक पूरा लेता है, यानी कि जितना उसका आयन होना चाहिए। जैसे 232/337 है, ठीक, या मान लीजिए 37 है और उसका अभी 26 है, तो उसको 37 होने में कितना चाहिए? 11 11, यानी कि 11 परमाणु इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए जिससे वो अपना जितना उसका नंबर है उतना वो प्राप्त कर लेगा। तो जब उतना प्राप्त कर लेगा वो, तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसी पॉइंट पर वो आ जाता है। और उस पॉइंट जहाँ पर वो पहुँच जाता है, उस स्थिति में जब निष्क्रिय हो जाता है तो वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। वही कारण है कि निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी वाष्प भी भरा जाता है, यानी कि मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। लैंप में दो इलेक्ट्रोड्स या फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं, यानी कि इस तरह का जो लैंप होगा उसमें क्या किया जाता है कि दो तरह के फिलामेंट या इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करेंगे और इनके बीच उच्च विभवांतर प्रदान सर्वास का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब हाई रेजिस्टेंस हम लोग उसके बीच में उत्पन्न करते हैं, क्या होता है कि वो वाष्प जो है मरकरी वो वेपराइज होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। और जब वाष्पित हो जाती है तो उसमें से क्या होता है, वो आयनीकरण प्रारंभ कर देता है, यानी कि माइनस से इलेक्ट्रॉन लेना वो आरंभ कर देता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा वो आयनित होने लगेगा, एक टाइम ऐसा होगा कि उसकी जितनी संख्या है परमाणु भार जितना होगा उतना वो ग्रहण कर लेगा, उसका जो निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं, आगे वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से दहन इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करता है, यानी काफी तीव्र गति से, क्योंकि वो आयनीकरण हो रहा है ना, आयनित हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ले रहा है वो, तो क्या होता है काफी तीव्र गति से धन की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में अन्य गैस तथा परमाणु से टकराते हैं। निश्चित है कि जब यह प्रक्रिया शुरू होगा तो बहुत सारे गैसों में टूटेंगे और टकराएंगे भी, और जब टकराता है उससे तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, ल्यूमिना फ्लक्स की संख्या होती है। इसलिए इस प्रकार के लैंप को गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप को क्या कहा जाता है, गैस डिस्चार्ज लैंप। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, कहां कहां उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे उपयोगिता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे Thank you.
इसका उपयोगिता जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि गैर डिस्चार्ज लाइन कितने तरह से होते हैं। गैस डिस्चार्ज लेंथ दो तरह के होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है सोडियम वेपर, लैंप। दूसरा है मर्क्यूरी वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप। ये आपके दो प्रकार के। मर्क्यूरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप। तो अब हम दोनों को बारी बारी से जानते हैं कि क्या होता है मर्करी वेपर लैंप। क्या होता है मर्करी वेपर लैंप ये जानते हैं। अब है कि मर्क्यूरी वेपर लैंप दो प्रकार का होता है। क्या होता है ये मर्क्यूरी वेपर लैंप दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है मर्करी वेपर लैंप दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है फ्लोरेंस लैंप, फ्लोरेंस लैंप या लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। इसी को जानते हैं लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप को क्या होता है। मर्क्यूरी वेपर लैंप या लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। क्या है ये तो कहता है कि वर्तमान में लैंपों से प्रायोगिक रूप से वर्तमान में लैंपों से
प्रायोगिक रूप से क्या है वर्तमान में लैंपों से प्रायोगिक रूप से फ्लोरेंस लैंप का महत्व बहुत अधिक है। फ्लोरेंस लैंप का महत्व बहुत बहुत अधिक है। क्यों अधिक है तो ये जानते हैं, ऑफिसों में, घरों में, उद्योगों में हॉस्पिटलों में जहाँ अच्छी रोशनी कहता है कि वर्तमान में लैंपों से प्रायोगिक रूप से फ्लोरेंस लैंप का महत्व बहुत अधिक है। कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, ऑफिसों में, घरों में, उद्योगों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ असली अच्छी रोशनी की आवश्यकता हो एवं कम पावर खर्च करने पर अधिक रोशनी की आवश्यकता हो तो पड़ता हो एवं कम खर्च क्या है कम खर्च करने पर अधिक रोशनी प्राप्त करनी हो कम खर्च करने पर अधिक रोशनी की जरूरत हो तो इसका प्रयोग करें। कांच की बनी फ्लोरेंस ट्यूब या लैंप को लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप भी कहा जाता है। शुक्रिया। लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप भी कहा जाता है। मजबूरी पेपर लैंप भी कहा जाता है।
अब हम देखते हैं कैसे यह स्ट्रक्चर होता है मर्क्यूरी वेपर लैंप का। आइए देखते हैं इसकी बनावट। ये जो है CaTHO कैथोड फिलामेंट। कैथोड फिलामेंट ये बेस, ये जो है ये बेस है। इंसर्ट अगेन गैस एंड मर्करी, ये क्या है, इंसर्ट गैस
गैस अंदर था। फर्स्ट फॉरेस्ट ये क्या है PAS फर्स्ट फॉरेस्ट कोटिंग फर्स्ट फॉरेस्ट कोटिंग ये क्या है पी तो ये हमने क्या देखा कि ये मरकरी वेपर लैंप या लो प्रेशर लैंप का ये डायग्राम है। इस तरह का ये बल्ब रहता है। क्या करें कि वर्तमान में लैंपों से प्रायोगिक रूप से फ्लोरेस लैंप का महत्व बहुत अधिक है। क्यों अधिक है कि यह कम खर्च में अधिक रोशनी देता है। कहाँ कहाँ यूज करेंगे ऑफिसों में घरों में उद्योगों में हॉस्पिटल में और भी अच्छी रोशनी की आवश्यकता हो तो कम खर्च पर अधिक रोशनी की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग करें तो क्या करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे जहाँ पर कम खर्च में अच्छा रोशनी का हमको इस्तेमाल करना है चाहिए तो इसका प्रयोग करेंगे। कांच की बनी फ्लोरेस ट्यूब या लो प्रेशर मर्क्यूरी लैंप भी कहा जाता है। ये क्या चीज का बना होता है कांच का बना होता है। अब ये नोट लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसके मुख्य तीन घटक होते हैं। इसके मुख्य तीन घटक होते हैं। पहला क्या है तो स्टार्ट है पहला क्या है स्टार्ट है दूसरा है चौक दूसरा है चौक और तीसरा क्या है फ्लोरेंस ट्यूब। फ्लोरेंस ट्यूब ये है इनके मुख्य तीन घटक कौन कौन है स्टार्टर चौक और फ्लोरेंस ट्यूब। स्टार्टर इसके मेन पॉइंट पर लगाया हुआ रहता है जो कि उसको ऑन करने का काम करता है। चौक जहां से ये वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है जितना ट्यूब को आवश्यकता हो उतना यानी कि एक तरह से ये रिले का काम करता है। क्या करता है जितना हमको वोल्टेज चाहिए उतना वो रोकेगा ठीक ऑब्जर्व करने के बाद फ्लोरेंस ट्यूब को जितना चाहिए एक एम्पियर दो एम्पियर 210 वोल्ट उतना क्या करेगा वो उसको फॉलो करेगा बाकी को ऑब्जर्व करके वो माइनस करके क्या करता है अर्थ कर देता है। और इसके लिए क्या चाहिए तीन तरह के होने चाहिए स्टार्टर चौक और तीसरा फ्लोरेंस ट्यूब। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे हो जानेंगे तीनों घटक के में से पहला कि स्टार्टर क्या है।
क्या बनेगा? स्टार्ट है। क्या होता है? स्टार्ट है। तो यह ऐसी युक्ति है जो परिपक्व या एक ऐसी युक्ति है जो परिपक्व 20 से 25 बार कहता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से 20 से 25 बार प्रति मिनट के दर से ऑन तथा ऑफ कर सकते हैं। ऑन तथा कर सकते हैं, अर्थात कर सकती है। यह वोल्टेज पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? वोल्टेज पर। यह वोल्टेज पर यह किस पर आधारित है? यह वोल्टेज पर आधारित है। एक छोटे कांच के बल्ब में दो एक छोटे कांच एक छोटे कांच के बल्ब में दो बाइमेटेलिक स्ट्रिप बंद की हुई होती है। कांच में दो बल्ब एक कांच में दो एक कांच एक कांच के दो बल्ब में बायोमेटेलिक क्या कह रहे हैं? दो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बंद की हुई होती है। स्ट्रिप बंद की हुई रहती है। बल्ब की भी जाती है। इस बल्ब में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है। इस बल्ब में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस भरी होती है। क्या कह रहा है? इस बल्ब में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है। सामान्य रूप से बायोमेटेलिक स्ट्रिप का कांटेक्ट बिंदु खुले सामान्य रूप से समान रूप से बायोमेटेलिक क्या कह रहे हैं? समान रूप से बायोमेटेलिक
स्टील के कॉन्टेक्ट बिंदु कंटेंट बिंदु बाद में डेली स्ट्रिप के कंटेक्ट बिंदु खुला रहते हैं। जब स्टार्टर में सप्लाई पहुंचती है तो तो धारा गैस में गुजर कर चमक उत्पन्न करती है। धारा गैस में से गुजरकर चमक उत्पन्न करती है जिसे बायमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर गर्म होकर मुड़ जाती है। एक दो सेकंड में बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़कर परिपथ ओपन करती है। एक दो सेकेंड में बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़कर स्ट्रिप मोड़कर परिपथ ओपन करती है। परिपथ ओपन करती है क्योंकि गैस ठंडी हो जाती है। परिपथ में धारा के अचानक कम हो जाने के कारण परिपथ में लगी ब्लास्ट चौक अचानक कम हो जाने पर
पारस्परिक पथ में लगे ब्लास्ट चाप परिपथ में लगी लास्ट चौक डिस्चार्ज उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके ट्यूब इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू कर देती है। ट्यूब इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज प्रक्रिया डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू कर देती है। आजकल स्टार्टर ग्लो टाइप का प्रयोग अधिक किया जाता है। आजकल स्टार्टर ग्लो टाइप का अधिक उपयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है, क्या कह रहा है स्टार्टर, क्या एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से ऑन या ऑफ कर सकती है, यानी कि इसको चालू या बंद कितना बार किया जा सकता है एक मिनट में, 20 से 25 बार। यह वोल्टेज पर आधारित है, यानी कि जितना इसको चाहिए वोल्टेज उतना आज पर रहेगा तो क्या होगा, यह ऑन होगा, आने तो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि लोड पर ये चलेगा और किसी भी मशीन को तीन फेज हो सिंगल फेज हो चलने के लिए कम से कम 200 वोल्टेज चाहिए, 180 से 200 वोल्टेज, तभी वो स्टार्ट ले पाएगा। यह वोल्टेज पर आधारित है। एक छोटे कांच के दो बल्ब में बायोमेटेलिक स्ट्रिप बंद हुई रहती है। आपको बताया था कि बीच में से दो भाग ऐसा लगता है कि दो भाग में बटा हुआ है, और उसके जब बगल से एक में सोडियम और एक में आर्गन गैस भरा हुआ रहता है, और उसके ऊपर से क्या होता है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर बिंदु स्ट्रिप बंद कर दी जाती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस भी भरी होती है, उसमें क्या रहता है हाइड्रोजन तथा हीलियम, या हम लोग सोडियम या आर्गन का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये सब निष्क्रिय गैस है। कौन कौन निष्क्रिय गैस है, आर्गन भी है आपका निष्क्रिय, हीलियम भी है निष्क्रिय, और हाइड्रोजन भी है निष्क्रिय, लेकिन काफी अधिक क्रियाशील है खुला। हाँ, सामान्य रूप से बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर बिंदुओं को बिंदु खुला रहते हैं तो क्या होता है स्टार्टर में सप्लाई पहुंच जाती है। खुला रहने का मतलब है कि जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है वहां से स्टार्टर में सप्लाई पहुंच जाती है। धारा गैस से गुजरकर चमक उत्पन्न करता है, और जब धारा गैस में जब पहुंचता है तो जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है वो चमक उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाती है, जिससे बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ जाती है। क्या होता है कि जो बायोमेटेलिक यूज कर रहे हैं जो आसानी से मुड़ सके वो क्या होता है हीट होने पर वो मुड़ जाता है, दाएं मुड़े या बाएं मुड़े लेकिन मुड़ जाता है। और परिपथ में क्यों ओपन होता है कि एक दो सेकेंड में बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़कर ओपन करती है, क्योंकि यह गैस ठंडी हो जाती है और अंदर का जो अचानक से जो गर्म हो रहा है गैस वो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है तो
ये बायोमेट्रिकली निश्चित मोड़ करके होता है, ओपन करता है हर एक दो सेकंड पर ओपन करेगा। परिपथ धारा को अचानक कम हो जाने पर परिपथ में लगी ब्लास्ट चौक वोल्टेज उत्पन्न करके ट्यूब इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू कर देती है। यहाँ पर उल्टा कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज मतलब चार्ज करने का प्रक्रिया शुरू कर देता है। आजकल स्टार्टर क्या होता है, ग्लो टाइप, किस टाइप के हम लोग स्टार्टर यूज कर रहे हैं, ग्लो टाइप का स्टार्टर अधिक उपयोग किया जा रहा है।